कान बहना यानी ओटोरिया, यह वो समस्या है जो बच्चों से लेके बड़ों को परेशान कर देती है, क्योंकि जब आपका कान बहता है तो आपके कान में दर्द होता है, आपको सुनाई देना कम हो जाता है और आप परेशान रहते हैं। होम्योपैथी में निश्चित रूप से बहुत अच्छी दवाएं हैं आपकी समस्या को ख़त्म करने के लिए। आज हम उन्हीं दवाओं के विषय में आपसे बात करेंगे। नमस्कार साथियों, डॉक्टर उमंग खन्ना होम्योपैथी क्लिनिक के इस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे कान के बहने की। कान का बहना यानी ईयर से डिस्चार्ज आना एक बड़ी समस्या होती है, खासतौर से बच्चों में यह बहुत पाई जाती है और माता पिता परेशान रहते हैं। वो तमाम दवाएं खिलाते हैं, उस वक़्त कान बहना रुक जाता है, लेकिन फिर भी बच्चे का बाद में कान बहना लगता है। होम्योपैथी में समस्या का निदान है, हम आपको बताएंगे इसी विषय की आज कुछ कारगर होम्योपैथिक दवाएं। सबसे पहले साथियों जान लेते हैं आखिर कान बहना होता क्या है। कान बहना वो स्थिति होती है जिसमें कि आपके कान से किसी भी तरह का डिस्चार्ज निकल रहा है। इसका जो साइंटिफिक टर्म है, मेडिकल टर्म है, वह है ओटोरिया। तो ओटोरिया की यह कंडीशन यानी कान बहने की यह कंडीशन जिसमें कि आपके किसी भी प्रकार का पतला, गाढ़ा, बदबूदार, प्लेन, जलन वाला कैसा भी डिस्चार्ज हो रहा है तो वह ओटोरिया के अंतर्गत आता है। सिम्टम्स की बात कर लेते हैं साथियों। सिम्टम कान बहने के, अगर आपके कान से मवाद, पस, पानी कुछ भी आ रहा है बाहर, तो वह ही कान बहने यानी ओटोरिया के सिम्टम्स हैं। कारणों की बात कर लेते हैं साथियों। कान बहने के प्रमुखता तीन कारण होते हैं। पहला कारण होता है कि आपके कोई चोट लगी हो, ट्रॉमा पहुंचा हो जिसके बाद आपका कान बहने लगा हो। दूसरा, आपके वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ हो और आपका कान बहना लगा हो। और तीसरा होता है स्विमर्स ईयर यानी ओटाइटिस एक्सटर्ना। तो ये तीन ऐसे कारण होते हैं नॉर्मली जो कान बहने के होते हैं। लेकिन समस्या है तो उसका समाधान है, हम आपको बताएंगे होम्योपैथी में इस समस्या को ठीक करने की कुछ कारगर होम्योपैथिक दवाएं। दवाएं बताने से पहले साथियों बता दें कि कान का जो इन्फेक्शन होता है वो आपके ब्रेन तक को इन्फेक्ट कर सकता है। मेनिनजाइटिस से लेके तमाम बीमारियों का कॉज आपका कान बहना या कान में इन्फेक्शन हो सकता है। तो जो भी दवा आपको बताई जा रही है उसको एक आप जानकारी समझें, होम्योपैथी में क्या हो सकता है इस विषय की बातचीत समझे। लेकिन दवा का जब बात आए खाने की तो किसी कुशल चिकित्सक से प्रिस्क्राइब करा के ही दवा लीजिएगा। तो चलते हैं साथियों सफर पे, जिस पे आपको बताते हैं कान बहने को ठीक करने की कुछ कारगर होम्योपैथिक दवाएं। साथियों, नंबर एक दवा जो कान बहने की जो मैं अपने क्लिनिक पे इस्तेमाल करता हूँ और सक्सेसफुली इस्तेमाल करता हूँ वह है कैल्केरिया सल्फ। अगर किसी का भी कान बह रहा है तो मेरा बड़ा भरोसा है इस दवा पे। सिम्टम की बात तो होती रहेंगी, की जाती रहेंगी, लेकिन ये कैल्केरिया सल्फ दवा देकर हम लोग 98% बच्चों का या बड़ों का कान बहना रोकने का रिजल्ट हमने देखा है। तो अगर किसी का कान बह रहा है तो वह कैल्केरिया सल्फ दवा ले सकता है। यह टॉप ग्रेड मेडिसिन है कान बहने की। एक स्थिति आती है साथियों, मरीज को कान से डिस्चार्ज हो रहा है और साथ में उसके कान के पीछे इन्फेक्शन हो गया है, एलर्जी हो गई, इग्जेमा हो गया है। तो अगर यह दो सिम्टम हो कि आपका कान बह रहा हो, ब्लडी डिस्चार्ज हो, कान से ब्लड स्टेन डिस्चार्ज आ रहा हो और आपके कान के पीछे एलर्जी हो गई हो, तो उस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है कार्बोनिकम सल्फ। आप कार्बोनिकम सल्फ 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार दे सकते हैं। यह दवा मरीज का कान बहना भी रोकेगी और उसके कान के पीछे जो एलर्जी हुई है उसको भी ठीक करेगी। एक स्थिति आती है साथियों, किसी का कान बह रहा हो और साथ में उसको ऊंचा सुनाई देने लगा हो या सुनाई ना देने लगा हो, तो सुनाई ना देने की, पार्शियल हियरिंग लॉस की और उसके साथ कान बहने की भी एक बहुत अच्छी दवा होम्योपैथी में है। अगर आपको ऊंचा सुनाई देने का सिम्टम है और वह दवा है काली म्यूरियाटिकम। आप काली म्यूर 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं जब आपको लॉस ऑफ हियरिंग भी हो रहा हो और साथ में आपका कान भी बह रहा हो, या दोनों परिस्थितियों या किसी एक परिस्थिति, दोनों स्थितियों में बहुत अच्छा काम करेगी।
एक स्थिति आती है साथियों कि बच्चे के राइट साइड कान से मवाद बह रहा है, पस बह रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है और उसको उंगली या वो ईयर में उंगली या फिंगर इंसर्ट करने से और थोड़ा सा अंदर मसाज करने से मरीज को आराम मिलता है। मतलब फिंगर या ईयरबड जब इंसर्ट करता है तो उससे रिलीफ मिलता है, उसकी इच्छा होती है ऐसा करने की। तो अगर यह स्थिति हो साथियों तो इस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा एतुजा, ऐसे मरीज को आप एतुजा साइनेपियम दे सकते हैं। यह दवा 30 पावर में दो दो बूंद दिन में तीन बार लेने पे मरीज को बहुत आराम मिलेगा। एक स्थिति साथियों आती है कि कान से पस का डिस्चार्ज हो रहा हो, पस आ रहा हो, बदबूदार हो, तो अगर यह स्थिति हो कि कान से पस किसी के मवाद बह रहा है तो उस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है सैलिसिया। सैलिसिया 30 पावर में दो दो बूंद दिन में तीन बार आप उस स्थिति में ले सकते हैं जब किसी मरीज की कान की हड्डी तक गलने लगी हो और उसे बहुत मवाद आ रहा हो और बहुत परेशानी, बहुत तकलीफ हो, तो सैलिसिया आपकी मदद करेगी और आपकी जो हड्डी है, बोन है, उसको भी बचाएगी कान के और कान बहना भी रोकेगी। एक स्थिति आती है साथियों बच्चों में खास तौर से आ सकती है कि किसी बच्चे का कान भी बह रहा है और उसको टॉन्सिल भी हो गया, तो अगर यह स्थिति हो कि मरीज का कान भी बह रहा है और साथ में उसको टॉन्सिल भी हो गया है तो उन दोनों स्थितियों को ठीक करने की एक दवा है होम्योपैथी में और वह है मर्क्यूरियस। आप मर्क्यूरियस 30 पावर में दो दो बूंद दिन में तीन बार दे सकते हैं। यह दवा बच्चे का कान बहना भी रोकेगी और बच्चे को स्वास्थ्य लाभ भी देगी। एक स्थिति आती है साथियों किसी का कान बह रहा हो और कान से बदबू आ रही हो, तो अगर यह स्थिति हो कि कान बह रहा हो और जो उससे कान बहने का जो डिस्चार्जेस हो उससे बहुत ऑफेंसिव ऑडर आ रही हो तो उसको स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में दो बहुत कारगर दवाएं हैं। पहली दवा है सोराइनम और दूसरी दवा है टेलुरियम। सोराइनम 1 EM पावर की तीन खुराक 55 मिनट के फासले पर वीकली आप तब ले सकते हैं जब जो आपके कान से डिस्चार्जेज आ रहे हैं वो बड़े गाढ़े हों, बदबूदार हों और चिपचिपे हों, तो अगर यह स्थिति हो तो सोराइनम बहुत अच्छी दवा है और टेलुरियम उस स्थिति में बहुत कारगर दवा है होम्योपैथी में जब आपके कान से डिस्चार्ज आ रहा हो वो पतला हो, बदबूदार हो, जलन वाला हो, अगर यह स्थिति हो तो आपकी ड्रग ऑफ द चॉइस टेलुरियम हो सकती है। एक साथियों स्थिति आती है कि मरीज को कान में आवाज़ें सुनाई देती है, कान में टिक टिक हो रहा है, इस तरह की बजिंग हो रही है, इस तरह की आवाज़ें आ रही हैं, तो अगर यह स्थिति हो और मरीज का कान बह रहा हो तो उस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है वियोला ओडोराटा। अब वियोला ओडोराटा 30 पावर में दो दो बूंद दिन में तीन बार ऐसे मरीज को दे सकते हैं। यह दवा उस मरीज को स्वास्थ्य लाभ देगी और उसको बेहतर बनाएगी। एक साथियों स्थिति आती है किसी बच्चे का कान बह रहा हो और उसको बहुत चिड़चिड़ापन हो, वो अकेले में रहना चाहता हो, तो अगर बच्चों के कान बह रहा है और उनको एक चिड़चिड़ापन है और अकेले में रहने की आदत है और एक डर लगता है तो उन सिम्टम्स की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है गरिंटर। आप गरिंटर 30 पावर में दो दो बूंद दिन में तीन बार दे सकते हैं। यह दवा उन बच्चों का कान बहना रोकेगी जिनको डर बहुत लगता है, चिड़चिड़ापन है और अकेले में रहना चाहते हैं, बहुत कारगर दवा है साथियों ये ऐसे बच्चों के लिए। एक साथियों स्थिति आती है कि कान में आपके बह रहा हो और बहुत दर्द हो रहा हो, तो अगर यह स्थिति हो कि आप किसी का कान बह रहा हो और कान में बहुत दर्द हो रहा हो तो उस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है मर्सोलिबिलिस। मर्सोल 30 पावर में दो दो बूंद दिन में तीन बार आप ले सकते हैं। यह दवा आपका कान बहने को भी रोकेगी और आपके कान में जो दर्द हो रहा है उसको भी ठीक करेगी। साथियों मर्सोल का जो कान का दर्द होता है वो रात में ज़्यादा होता है, तो यह भी एक गाइडिंग सिम्टम है मर्सोल के लिए। एक साथियों बहुत कॉमन इन्फेक्शन का कॉज होता है कान में, जब कान बहता है आपका डॉक्टर आपको बताता है कि बैक्टीरिया से इन्फेक्शन हो गया, तो अगर स्ट्रेप्टोकोकस से इन्फेक्शन हुआ है तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है स्ट्रेप्टोकोकस। जी हाँ, इसी का नोसोड है ये, इसी से बना है, इसलिए नाम आपको टैली लग रहे होंगे, मैच कर रहे होंगे। तो स्ट्रेप्टोकोकस 30 पावर में दो दो बूंद दिन में तीन बार आप ऐसे मरीज को दे सकते हैं जिसको कान बहने की शिकायत हो और कान में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ हो, यह दवा उसको बहुत स्वास्थ्य लाभ देगी।
एक साथियों स्थिति आती है कि कान से मवाद बह रहा है, बिल्कुल सफ़ेद रंग का है, तो अगर वाइट डिस्चार्ज आपके कान से हो रहा है, वाइट मवाद आ रहा है, तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है नैट्रम म्यूरेटिकम। आप नैट्रम म्यूर 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं। यह दवा आपके कान को ठीक करेगी, कान बहने को ठीक करेगी और आपको स्वास्थ्य लाभ देगी। एक स्थिति आती है साथियों कि कान से जो डिस्चार्ज हो रहा है वह बहुत जलन वाला है। अगर यह स्थिति है कि बहुत ज़्यादा कान में जलन है डिस्चार्ज में और आपको बहुत कब्जियत रही है, ऑब्स्टिनेट कॉन्स्टिपेशन रहा है और मरीज फेयर एंड फैट एंड फ्लैबी है, तो उस स्थिति में मरीज को ठीक करने की और कान के डिस्चार्ज को रोकने की बहुत अच्छी दवा है ग्रेफाइटिस। आप ग्रेफाइटिस 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं। यह दवा आपके कान को ठीक करेगी, कान बहने को रोकेगी और आपको स्वस्थ करेगी। एक स्थिति साथियों आती है कि कान से पीला डिस्चार्ज आ रहा हो, अगर कान से येलो कलर का आपका डिस्चार्ज आ रहा है तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है काली सल्फ्यूरिकम। आप काली सल्फ 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं। यह दवा आपके कान से निकलने वाले येलो डिस्चार्जेस को की स्थिति में आपके कान बहने यानी ओटोरिया की कंडीशन को ठीक करने में आपकी मदद करेगी। एक स्थिति साथियों आती है किसी मरीज को कान बहने की बहुत क्रॉनिक पुरानी कंडीशन हो और उसकी हड्डियां बिल्कुल सड़ चुकी हों, डीके हो चुकी हों बोन्स और सुनाई देना बंद हो गया हो, तो अगर यह वर्स कंडीशन है साथियों तो इसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है ऑरम मेटेलिकम। आप ऑरम मेट 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं। यह दवा आपको स्वास्थ्य लाभ देगी, आपको ठीक रखेगी और आपके कान को बहना रोकेगी। यदि साथियों आपके कान से हरा डिस्चार्ज आ रहा है, ग्रीनिश कलर के डिस्चार्ज कान से आ रहा है, ओटोरिया है, तो उस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है पल्सेटिला। पल्सेटिला 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार हर उस व्यक्ति को दी जा सकती है जिस मरीज को प्यास ना लगती हो, बंद कमरे में रहना पसंद ना हो, खुली हवा में रहना पसंद हो और जिसको कि सांत्वना देने से अच्छा महसूस होता है, उसके कष्ट में जब आप सांत्वना देते हैं तो अच्छा लगता है। अगर यह स्थिति हो तो उस स्थिति में ओटोरिया को ठीक करने की बहुत कारगर दवा है पल्सेटिला नाइक्रा। यदि साथियों किसी के कान से डिस्चार्ज हो रहा हो और साथ में खून आ रहा हो, ब्लड आ रहा हो, अगर ऐसी स्थिति हो कान के डिस्चार्ज की, तो उस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है मर्स सोल्यूबिलिस यानी मर्स सॉल। आप 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार यह दवा लेके स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। एक साथियों सिम्टम आता है किसी के कान से डिस्चार्ज हो रहा है, ओटोरिया हो रहा है और वह चिपचिपा है, तो अगर कान से डिस्चार्ज हो रहा है और वह स्टिकी है, तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है काली बाइक्रोमियम। आप काली बाइक्रोम 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं। यह दवा आपके कान के चिपचिपे डिस्चार्जेस को रोकेगी और आपको स्वस्थ रखेगी। ये साथियों को दवाएं थी कान बहने की, जो कि एक बहुत कॉमन समस्या है। दवाएं साथियों बहुत कारगर है, लेकिन मैं आपसे निवेदन करूंगा कोई भी दवा बिना कुशल चिकित्सक से पूछे मत लीजिएगा, कुशल चिकित्सक से पूछ कर ही कोई भी दवा लीजिएगा। मन में साथियों कोई क्वेरी हो तो व्हाट्सएप करिएगा हमारे फ़ोन नंबर पे, प्रयास करेंगे आपकी बात का जवाब दे सके। निवेदन करेंगे साथियों वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, अपने चैनल को आपने सब्सक्राइब करा होगा अन्य साथियों से सब्सक्राइब कराइएगा और बेल आइकन क्लिक करके सबसे पहले सबसे नया वीडियो यूं ही प्राप्त करते रहिएगा। आपका साथियों हमारे साथ इतनी देर रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you.